जो प्रीएम्बल से उसकी धज्जियां उड़ाता है और ये कानून जो है देश को तोड़ने वाला कानून है और मानवता के खिलाफ ये कानून है। बीजेपी जो है देश को तोड़ने का काम कर रही है और अब तक जितना भी पूर्व में केंद्र सरकार का फैसला रहा है, चाहे नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, आप देख सकते हैं आधी रात में जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान कि ये लोग धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं, रात में महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं से जितने पूर्व में फैसले रहे नोटबंदी जीएसटी को लेकर के, सारे फैसले जो हैं देश के लिए नुकसानदायक रहे हैं। अगर पूछा जाए नोटबंदी से क्या फ़ायदा रहा, तो बीजेपी के लोग इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इसलिए ये जो कानून है, इसमें जो इनके सहयोगी हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके साथ देने का काम किया, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने पुरजोर समर्थन जो है लोकसभा में भाजपा को समर्थित जो बिल है उसको समर्थन देने का काम किया। हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो गांधी जी की बात करने वाले लोग, जो लोहिया जी की बात करने वाले लोग, जो कर्पूरी जी की बात करते थे, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे, ख्वाब देखा करते थे, जो आरएसएस मुक्त भारत बनाने की बात करते थे, आज नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा कि आज पूरी तरीके से संघ की गोद में ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से संघी हो चुके हैं और देश को बर्बाद करने की ओर चल पड़े हैं। देखिए, संविधान का जो प्रीएम्बल्स है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि धर्म के आधार पर जो है बंटवारा नहीं हो सकता, सभी लोगों को सम्मान अधिकार है, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई बिरादरी के हो, वी द पीपल, ये प्रीएम्बल्स में जो है सबों को बराबर रखने की बात की गई है। लेकिन जिस प्रकार से एक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है, हम लोग सब लोग बचपन में नारा सुनते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई, ये कहीं ना कहीं से आज जो देश है, जब हम लोग सोते हैं गांधी जी के देश में, लोहिया जी के देश में, अंबेडकर जी के देश में, जेपी जी के देश में, कर्पूरी जी के देश में, लेकिन जब सवेरा होता है तो दिखता सावरकर का देश, गोवलकर का देश, गौडसे का देश। तो इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी कि देश को बचाने का काम करें। और लोग जो हैं काफ़ी आक्रोश में हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के देख लीजिएगा हर जगह, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे कैग का मामला हो, इसमें हम लोग जो है पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन जो पब्लिक कमिटमेंट करने वाले लोग कि 370 धारा पे आप देखिएगा, 370 धारा हो, ट्रिपल तलाक हो, या एनआरसी हो, या कैग हो, इनका पब्लिक कमिटमेंट क्या था? इनका यही पब्लिक कमिटमेंट था कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी, लेकिन ये ढकोसला किया जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है। ये जो भी जदयू में जो लोग हैं, नीतीश कुमार ड्रामा करवाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से इनका जो डिसीज़न गलत हुआ है उसको मेकअप करवाने के लिए ये पूरी तरीके से ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी जो है पलटी मारने में माहिर हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को कम से कम उन गांधी जी की आज आत्मा रो रही होगी, लोहिया जी की आत्मा रो रही होगी, और नीतीश जी अगर कहते हैं लोहिया जी के चेले हैं, गांधी जी के चेले हैं, तो बड़ी दुखद बात है। आज कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार पूरी तरीके से
संगी हो चुके हैं केवल केवल कुर्सी के चक्कर में। तो हम बस इतना ही कहते हैं कि ये जो देश है, जो देश का संविधान है, प्रीएम्बल जो लिखा गया है, ये किसी को भी धर्म के आधार पे बांटने का काम नहीं करता। ये सभी लोगों को बराबर का अधिकार देता है और ये कानून जो है देश को तोड़ने वाला कानून है, मानवता के खिलाफ है। और नीतीश कुमार जो है, जो गांधी जी, कर्पूरी जी, लोहिया जी की बात करने वाले लोग, आज कहीं ना कहीं से संगी हो चुके हैं, पूरी तरीके से भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। तो हम लोग नीतीश कुमार जी से जवाब चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप कहते हो आप लोहिया जी के चेले हो, गांधी जी के चेले हो, हर जगह सरकारी बिल्डिंग में उनके जो है नारे को लिखवाने का काम करते हैं। आज कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी के करतूत पर जो है गांधी जी, लोहिया जी की आत्मा जो है रो रही हो। तो देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, और जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो जहर बोना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ मजबूती से लड़ना है। और देश की जनता आक्रोशित है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कहीं के भी लोग हों, ये देश की यही खूबसूरती है। हम सब हैं भाई भाई, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश की आज़ादी में सब लोगों का कुर्बानी जो है रहा है। ये नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, जवाब दें, क्यों मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं भाई? आखिर कब बोलेंगे, कब करेंगे? ये तो बार बार पलटी मारने में माहिर है, धोखा देने में माहिर है। इन्होंने जो देश को धोखा दिया, गांधी को धोखा दिया, संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को माफ नहीं करेगी। ये विरोध कब तक जारी रहेगा तेजस्वी जी? ये विरोध हम लोग चलता रहेगा। आप लोग विरोध जारी करने से इसमें हम लोग जो है भी जिला भर में राष्ट्रीय जनता दल आगे जो है चरणबद्ध तरीके से हम लोग जो है इसका विरोध करेंगे। अब विरोध पार्लियामेंट में पुरजोर तरीके से होगा।